press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो है तो भारतीय मूल के पर वो चाइना में रहते हैं, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर भारत और चीन के रिश्तों पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। साथ हैं जी सुमित जैन साहब, जो कि फिल्म देखने आए हैं और अभी मैं इनकी फिल्म बना रही हूँ और वो भी चाइनीज फिल्म देखने आए हैं। पता नहीं सॉन्ग वॉन्ग भी होते हैं कि नहीं सर, पहले जरूर थोड़ा बता दीजिए, सॉन्ग वॉन्ग होते हैं चाइनीज मूवीज में कि नहीं? कुछ नहीं होता, बस उसमें बस ये है कि जल्दी जल्दी चलती है मूवी और अच्छी स्टोरी जिन्होंने लगानी शुरू कर दी है पहली बार, और कुछ इंस्पिरेशन ये बॉलीवुड से लेते हैं। अभी जैसे भारत में मूवीज बनती हैं, ये वहां से स्टोरीज लेते हैं, दे लाइक इंडियन मूवीज अलॉट, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन मूवीज हैं उसका कुछ रीजन होता है, एक पर्पस होता है, पीछे कोई स्टोरी होती है। तब इन्होंने वो वॉर की जो मूवीज होती थी पहले यहाँ पे बनती थी, इन्होंने उसको बनाना बंद कर दिया है, थोड़ी सी ढंग की मूवीज बनानी शुरू कर दी। उनको पता है कि इतना बड़ा कस्टमर आ रहा है तो अच्छी मूवी तो बनानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही, और खैर बॉलीवुड मूवीज तो सभी जगह देखी जाती है, लेकिन सर ड्यूरेशन कितना होता है इनकी मूवीज का? वही डेढ़ दो घंटा, पौने दो घंटे, जैसे अमेरिकन मूवीज होती हैं वैसी। हाँ, इनकी छोटी मूवी होती हैं, बहुत लंबी मूवीज नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब गाने निकाल दो इंडियन मूवीज का तो वो भी तो डेढ़ घंटे की खत्म हो जाती है, वही हाल इनका है ऐसा ही है। लेकिन सर हम बात कर रहे थे चाइना और इंडिया की, वो हमने खैर मूवी से स्टार्ट लिया, जाहिर है कि दोनों जगह पर ही जो है वो इम्पोर्टेंस है। कहा यह जा रहा है कि वीजा स्पेशलिटीज जो है वो भारत देगा आपके, यानी जो टेक्नीशियंस होंगे या टेक्निकल काम जो लोग करते हैं उनके लिए, तो क्या देख रहे हैं आप? एक तरफ टेंशन है बॉर्डर पे, एक तरफ कहा जाता है जी हम जो भी हथियार बना रहे हैं वो हम चाइना के लिए बना रहे हैं, हमें आप लोग कह देते हैं कि नहीं आपके लिए नहीं है, ये और बात है कि दो एक गोले इधर भी हो सकता है आज, लेकिन आप लोग जो है वो चाइना और भारत जो है वो आपस में काम भी कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, और आप वीजा में भी कुछ ना कुछ जो है वो आसानी पैदा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस रिलेशन को? पहले तो मैं हथियारों के ऊपर आपको जवाब दे दूं कि आपने बोला कि आप एक दो इधर भी यूज कर लेते हैं, हम यूज नहीं करते हैं। हमने प्रैक्टिस किस पे करनी है, यूज कहाँ करना है, हमारा बड़ा क्लियर है। वो हमने गलती से ब्रह्मोस आ गया था आपकी तरफ, जो तीन दिन के बाद पता लगा था आपको कि हाँ हमारे कंट्री में कोई ब्रह्मोस भी आया है, क्योंकि तो लोकल लोगों ने बताया था आपको। तो वो एक प्रैक्टिस हम कहीं करते हैं, चलाएंगे कहीं और, तो ये तो मैं मैटर वो क्लियर कर दूं आपको। तो दूसरा जो ये जो इन्होंने वीजा शुरू किया है भारत ने, पहले कई लोगों ने मुझे भी बोला कि भाई भारत ने वीजा देने शुरू कर दिया चाइनीज को, गलत इन्फॉर्मेशन है। चाइनीज को वीजा भारत नहीं दे रहा। अगर कोई वहां पर घूमने फिरने आना चाहता है, टूरिस्ट वीजा पे आना चाहता है, कोई फैमिली वीजा पे आना चाहता है, उसे वीजा नहीं दिया जा रहा। मेरी वाइफ है, उसे भी वीजा नहीं मिल रहा। और अगर कोई टेक्निकल आदमी है, यानी कि किसी कंपनी से कोई मशीन खरीदी है, उसकी इंस्टॉलेशन करने के लिए आना है, रिपेयर करने के लिए आना है, तो पर्टिकुलर एक वो वाला वीजा है जो देना शुरू किया है भारत की गवर्नमेंट ने, कि अगर मशीन खरीद ली है, उसकी इंस्टॉलेशन दो दो साल हो गए, इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रही, उसका नुकसान हमें हो रहा है, तो बड़ा ही टारगेटेड हम वीजा इशू कर रहे हैं चाइनीज को, क्योंकि चाइना को बोल दिया भारत से ट्रेड करना है, इंक्रीज करना है, पहले पीछे हटो। तो ये पीछे हटना पड़ेगा, और भारत को पीछे हटाना आता है, चिंता मत करो, हमने वो काम करने शुरू कर दिए हैं कि ये तड़प रहे हैं कि हमसे ट्रेड चाहिए, हमसे बिजनेस चाहिए, और हम इनके स्क्रू टाइट करते जा रहे हैं। स्क्रू इनके पास ज्यादा होते नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है मैं बोल नहीं सकता हाइट के ऊपर, क्योंकि वे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होती है, बट स्क्रू हमने टाइट करने शुरू कर दिए हैं, और हमें पता है कहाँ पे स्क्रू, कौन से स्क्रू और कौन से स्क्रू ड्राइवर से टाइट किए जाते हैं। लेकिन सर कई जगह पे ये भी न्यूज चल रही थी कुछ दिनों से कि भारत और चाइना जो है वो एक दूसरे के साथ बात करना चाह रहे हैं, अपने जो रिलेशंस है उनको बेहतर करना चाह रहे हैं, उसको लेके यकीनन पाकिस्तान में भी कई लोग बात कर रहे थे कि इन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई तो हमारा क्या होगा, जैसे कहते हैं तेरा क्या होगा कालिया, वो वाली बात चल रही थी। तो मुझे ये बताइए, मैं आपको कह रही हूँ सारे पाकिस्तानी उठ के मुझे बुरा वाला बोलेंगे, लेकिन बात सारी है कि वाकई में अगर हिंदुस्तान और चाइना की आपस में बन गई तो पाकिस्तान की पोजिशन जो है काफी वीक हो जाएगी, तो आप लोग दोनों के टर्म्स बेटर होने जा रहे हैं। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वीक हो जाएगी,
ओ भाई पहली वीक थी और वीक हो जाएगी, ये बोलो। तो पहली बात तो ये है कि आपकी पोजीशन जो है वो और ठंडे खूह में जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। अभी जो भारत और चाइना के बात में बीच में जो बातचीत है, ये अभी से नहीं है, 2020 से चल रही है। 28-29 बार मीटिंग हो चुकी है, कई सहमतियां हो चुकी हैं, एक दो चीजों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो उसके ऊपर अब हमें मालूम है कि कैसे चाइना को दबाना है। हमारा अपर हैंड है, ताश के सारे पत्ते हमारे पास हैं, जोकर भी हमारे पास है, पार्लियामेंट में सो जाता है। तो इसलिए जो ये जो है ताश के पत्ते हमारे हाथ में होने के कारण अब हम प्रॉपरली फ्लैश कह सकते हैं, अपने टर्म्स को डिक्टेट कर सकते हैं चाइनीज को, और हमने करना भी शुरू कर दिया। क्योंकि जो वांगी हैं उन्होंने एससीओ की मीटिंग में जयशंकर जी से मीटिंग करी, उसके बाद भी मीटिंग हुई है, जिस फोरम में होती है जयशंकर जी एक ही बार बोलते हैं पीछे हट, साडा हक इत्थे रख छे हट। तो जो चाइना है उसको अब ये मानना पड़ेगा कि ओनली थिंग इज दे वांट अ फेस सेविंग, कि भारत कैसे फेस सेविंग दे सकता है ताकि वो पीछे भी हट जाए और इनका नाक भी बची रहे। अब वो है कि टूटी हुई नाक लेके आते हैं, प्लास्टर लगा होता है क्योंकि तो हमने अच्छी तरह से मारा था उनको, खून अभी भी निकल रहा होता है जब भी वो मीटिंग करने आते हैं हमारे साथ बॉर्डर के इश्यूज के ऊपर। तो इस वक्त भारत के पास एक अच्छा लीवरेज है कि हम चाइना के साथ नेगोशिएट कर सकें, और भारत कर भी रहा है। मुझे लगता है एक सेफ पैसेज की बात है कि कैसे चाइनीज को एक सेफ पैसेज देकर उन्हें पीछे धकेला जाए, उसी के ऊपर एक टर्म लग गई है। जिस दिन भारत की गवर्नमेंट मेरे से बात करेगी मैं उन्हें वो फॉर्मूला भी देता हूँ। शिया कम्युनिटी है, उनकी जो सोच है या जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो कई हद तक इसराइलियों के साथ मिलती भी हैं, इसलिए कई नया एक गेम शुरू हो गया है कि अगर आप सोच के देखिए, आपने पहले बोला था कि हमारी तो वाट लग जाएगी, अगर ईरान और इसराइल इकट्ठे हो गए, इधर भारत और चाइना इकट्ठे हो गए, तो अड्डा की होगा कालिया, ये आप सोचो। सर हम दोस्ती कर लेंगे सबसे, लेकिन लेकिन सर मुझे ये बताइए ना कि जो बिजनेस जो है वो चाइना से इंडिया शिफ्ट होता जा रहा है, कई बड़ी कंपनीज जो है वो अभी तक शिफ्ट हो चुकी हैं, तो क्या वजह है कि चाइना में क्यों काम नहीं करना चाह रहे वो लोग? ऐसा नहीं है कि चाइना में काम नहीं करना चाहते भाई, इन्होंने पैसे चाइना से ही कमाए हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी, राइजिंग इकोनॉमी थी, इन्होंने 20-25 साल अच्छी तरह से चाइना से पैसे कमाए हैं। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी आरती जी, इनका कोई दीन अमान नहीं होता। यहाँ पर पैसे बनते हैं, ये वहां पर जाते हैं पैसे कमाते हैं, उसके बाद दूसरे कंट्री में ये घुस जाते हैं। जैसे अमेरिका है, यूरोप है, इन्होंने पैसे बनाए, उसके बाद इनको लगा कि यहाँ पर फ्यूचर नहीं है, पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तब तक अभी जिहादियों ने वहां पर आना शुरू नहीं किया था, कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई होना शुरू नहीं किया था, जो शरणार्थी बन के जाते हैं वहां पर। तो यूरोप के अंदर इन्होंने वहां से कॉन्सेंट्रेशन निकालकर ये चाइना में चले गए, 20-25 साल बहुत अच्छी तरह से पैसे कमाए। लेकिन अभी चाइना की क्योंकि एक तो पॉपुलेशन कम होती जा रही है, एजिंग पॉपुलेशन है, तो यंग पॉपुलेशन नहीं है, बच्चे नहीं हो रहे यहाँ पर, तो क्या हो रहा है कि अब इन्होंने नई मार्केट ढूंढनी शुरू कर दी। पहले इनका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ चाइना था, अभी ये कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं भारत के ऊपर, क्योंकि तो भारत की एक इकोनॉमी राइज कर रही है, यहाँ पर भी अल्लाह की बड़ी देन है, तो 15-15-20 बच्चे हैं, तो जो ये राइज ऑफ पॉपुलेशन है ये इसको तो मार्केट चाहिए, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इन्हें सामान बेचने के लिए मार्केट चाहिए, मार्केट भारत में है आज की डेट में, इसलिए इनका जो प्यार है आपको भारत की तरफ दिख रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इनको भारत से प्यार है, इनको भारत की मार्केट से प्यार है, तो यहाँ पर आएंगे 15-20 साल यहाँ पे तरक्की होगी अभी भारत के अंदर, ये उसका फायदा उठाएंगे, उसके बाद किसी और कंट्री में चले जाएंगे, ये इनका साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। और जो मैं छोटी मोटी कंपनीज की बात नहीं कर रहा, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो हर रोज की जो हमारी जरूरत की चीजें होती हैं, मैं एक बार जो हिंदुस्तान लीवर्स है उनके सेमिनार्स में मैं अटेंड करता रहा हूँ, हमने उनके साथ काम किया हुआ है, तो उनके जो सेमिनार के अंदर जो पहली लाइन थी वो ये थी कि हमारा टारगेट होता है कि जिस भी कंट्री में हम जाते हैं उस कंट्री में जो वहां की पॉपुलेशन है उनकी 25% जिंदगी की जरूरतें वो हमारी कंपनी से आनी चाहिए। यानी कि जब आप उठते हैं तो टूथपेस्ट उनका सबसे पहले काम, तो आप टूथपेस्ट ही यूज करते हैं, टूथब्रश यूज करते हैं वो उनका, टॉवल यूज करते हैं उनका, सोप है, डिटर्जेंट्स हैं, इवन शैम्पूज हैं, आटा है ना, मसाले हैं, आप कोई भी चीज ले लीजिए, तो सुबह से लेकर रात तक आप जो भी चीज यूज करते हैं उसमें से 25-30% एक ही कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इतनी बड़ी इनकी पेनिट्रेशन है, हमें लगता है कि हिंदुस्तान लीवर हिंदुस्तान की कंपनी है, बट ये ब्रिटिश कंपनी है यूनिलीवर, आपके यहाँ पर भी पाकिस्तान लीवर है, तो ये जो सारी कंपनीज हैं ये ऐसे ही काम करती हैं, एंड दे कीप ऑन, ये तो म्यूजिकल चेयर है, कभी आज इधर है कभी किधर और है, ये डड्डू की तरह शिफ्ट होते रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और सुमित सैन साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ
जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने चर्चा की भारत और चीन के रिश्तों के बारे में। खासकर जब भी भारत और चीन की बात आती है तो उनके बीच में हमेशा ही कंपैरिजन किया जाता है। और जैसे कि सुमित जैन साहब ने कहा, इस बार चीन की जो हालत है वो काफी खस्ता है, चीन अपने घुटनों पे आ गया, क्योंकि चीन से सारी इन्वेस्टमेंट उठ के या तो भारत में आ रही है या फिर वियतनाम में जा रही है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।